सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं त्वेदं मया प्रमाद प्रणयेन वापी। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप इतने ऊंचे हैं, आप खुद परमात्मा है, विराट पुरुष का आपने मुझे दर्शन करवाया, पर अनजाने में ही मैंने आपको सखा समझा, मित्र समझा, तो उस अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो हे कृष्ण हे यादव, आप सखा थे मेरे, तो मुझे वो माफ करें, मेरी वो गलतियों को माफ करना। इस योगीराज के नए वो उन्होंने उस रूप को अब तक समझा, उससे पहले वो उसे उन्हें मित्र मानते थे, तो कह रहे कृपया मुझे माफ करना, प्रेम में गलती में मैंने आपको कुछ गलत कहा हो उसके लिए। यहाँ सत्करो कतो असि विहार सयासन भोजनेशु एको वाप्यच्युत क्षमक्षम तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। वो कहते हैं कि और सैर सपाटों में सोते समय, इकट्ठे बैठते समय, भोजन करते समय और ऐसे कहीं अकेले में बैठे हुए तथा मित्रों के साथ सामने भी मैंने अलग अलग उपवास में आपका तिरस्कार किया है, तो हे अच्युत मुझे क्षमा करो, मैं क्षमा चाहता हूँ। पिता त्रिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो असत् अस्यभि अधिक कुन्तो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रति प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर संसार के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं और अन्य गुरुओं से भी बढ़कर हैं। हे कृष्ण आपका प्रभाव तीनों लोकों में अप्रतिम है, इस समय समस्त विश्वों के मनुष्यों में आपके जोड़ का कोई नहीं है, आपसे अधिक कौन होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम हमीश वीर्यम पितेव पुत्रश्च सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हासि तेव सोढुम। इसलिए प्रमाण कर प्रणाम करके अपने शरीर को समर्पण कर इस युग के नेता के कारण मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ हे देव, और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करो।